को किया गया है। ऐतिहासिक रूप से मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का, राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। कल 9 स्कूलें 10वीं से 12वीं क्लास के स्कूलों में क्रमोन्नत हुई है। इसमें हमारा इंद्रकोट में जो बड़वाम जो स्कूल है उसको क्रमोन्नत किया गया है, मीरशली स्कूल है उसको क्रमोन्नत किया गया है, सुभाष जो स्कूल जो गंज के अंदर है उसको क्रमोन्नत किया गया है, कोटला स्कूल जो है पुष्कर रोड के ऊपर उसको किया गया है, खरकड़ी गाँव की जो स्कूल है उसको किया गया, लाखन कोटली स्कूल को किया गया, डिग्गी जो लोकल है उसको किया गया, चोरशाबाद जो स्कूल है उसको किया गया है, नला बाजार में जो छबीली स्कूल जो कन्या मार्गदर्शन जो है उसको किया गया है। ऐतिहासिक रूप से मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का, राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा के एक नए आयाम स्थापित करते हुए 10वीं से 12वीं क्लास की स्कूलों को जब इन्हीं जगह कर दिया तो स्थानीय स्तर पर ही बच्चों को 12वीं तक पढ़ने की सुविधा प्राप्त होगी, लोगों को शिक्षा का माहौल मिलेगा। इसके लिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मेरे अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 9 स्कूलों प्रमाणित करके उन्होंने ऐतिहासिक जो घोषणा करके जिसको क्रियान्वित कर दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मांग करी थी क्या आपसे किसी ने? बिल्कुल इनसे है ना कि पिछले दिनों के अंदर जो मांग की थी और मांग किया कि मैं तो कहूँ कि मेरे पे शिक्षा विभाग का इस बात का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 8 दिन पूर्व पुलिस लाइन जो पुष्कर पुलिस लाइन जो आपका जो अजमेर है उसको महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के अंदर जो 11 स्कूलें पूरे राजस्थान में स्वीकृत हुई उसमें से एक बालूपुरा पुलिस लाइन स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के अंदर जो तब्दील करने का जो फैसला राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी ने जो किया है मैं उसके प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ और मुझे इस बात की उम्मीद है कि जितनी मांगे हमने शिक्षा मंत्री जी के सामने रखी है उन्होंने सतत हमारी मांगों को पूरा किया है। आप बोलोगे कोई सर इस चीज पे बोलोगे?